विधायक अशोक अरोड़ा ने जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि इस्माइलाबाद में दिनदहाड़े कांग्रेस नेता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने कुरुक्षेत्र के एसपी से बातचीत की है, जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान थानेसर की जनता ने लड़ाई लड़कर उन्हें जिताया है और किस तरह से थानेसर के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की टांगे तोड़ी, आज तक हमलावर पकड़े नहीं गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर कुरुक्षेत्र के एसपी से हम मिले थे मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत दुख है, बड़ा दिल है। किस प्रकार की आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है, आप कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे हो कि कुरुक्षेत्र में जिनको सरेआम दंगे गाड़ी रोक के टांगे तोड़ी, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़े नहीं गए। और जिनके ऊपर झूठे मुकदमे रोज पुलिस उनके कह देती है, जाने गाड़ी तोड़ दी, उन्होंने कल कप्तान पुलिस कप्तान को कहा था वहाँ एसपी साहब उनकी लोकेशन निकलवा दो, जहाँ गाड़ी टूट दिया अगर 1-1 किलोमीटर दूर तक भी वो बच्चे हो ना तो हमारे साथ मुकदमे दर्ज कर दी। कुछ भी बंदूकों की वो तो दबाव में काम कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से एक पूरी तरह से डेपुटेशन के तौर पर इनके अधिकारी से मिलेगा, जरूरत पड़ेगी उनके मिनिस्टर से भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री जिला जिला है, इस जिले के अंदर गुंडागर्दी बर्दाश्त हम नहीं, ये कुछ भी कहते रहे काम नहीं होंगे नहीं होंगे, ये कौन होता है मेरे काम को रोकने वाला, ये कौन होता है मेरे लाइसेंस चेक करने वाला, कहते हैं इसका क्लर्क भी नहीं मानेगा, क्लर्क नहीं चीफ सेक्रेटरी को भी नमस्ते अशोक अरोड़ा को कहनी पड़ेगी क्योंकि ये थानेसर की जनता ने अधिकार दिए।